हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, जिस हिसाब से आंकड़े सामने आ रहे हैं और हॉस्पिटल की जो कंडीशन है, इस सबको देखते हुए लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो रहा है, हल्का फीवर भी हो रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा डर जा रहे हैं कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया, अब इससे वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो इस तरह का डर जो है लोगों के मन में बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी लगा ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं कि मुझे कोविड हुआ तो मेरे क्या क्या सिम्टम रहे और क्या इससे सच में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है या फिर हमें अवेयर रह के इससे लड़ने के बारे में सोचना है। तो इन सब बातों पे मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी, और अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है और जो चीजें हमने फॉलो की है और हम रिकवर हो पाए हैं, अगर वो सारी चीजें फॉलो करके आप भी ठीक हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड यकीन मानिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कोरोना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अवेयर रहना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस टाइम पे आपको मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोविड नहीं है तो बहुत खुशी की बात है, अगर है भी तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि अवेयर रहना है और अपना जो है इलाज सही से करवाना है ताकि आप जल्दी इससे रिकवर हो सके। तो इसीलिए खुद को मेंटली स्ट्रांग रखिए, आपको मेंटली बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर जो भी चीजें आप सोचेंगे, अगर आप गलत ख्याल अपने मन में लाएंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर वो आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, साइकोलॉजिकली ऐसा होने लगता है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है जो कि कोविड के लक्षण है, जो कि नॉर्मल फ्लू वाले ही लक्षण है, अगर आपको हल्का फीवर महसूस हो रहा है, सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, प्लीज अपने आप को आइसोलेट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपनी फैमिली से दूर रहिए। ये मत सोचिए कि अभी आपका टेस्ट नहीं हुआ है, जब पॉजिटिव आ जाएगा रिपोर्ट तब खुद को हम आइसोलेट करेंगे, इस बारे में बिल्कुल भी सोचिए मत, इंतजार मत कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपको लक्षण है तो मान लीजिए कि आपको कोरोना हुआ है, जी हाँ, आप ये मत सोचिए कि आपको नॉर्मल फ्लू हुआ है, भगवान करे कि वो नॉर्मल फ्लू ही हो, लेकिन अगर आपको सिम्टम दिख रहा है तो पहले आइसोलेट कीजिए खुद को, ताकि जो आपकी फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं उन लोगों तक आप संक्रमण ना पहुंचाएं। दूसरी चीज आपको करनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना टेस्ट करवाइए और पता कीजिए कि आपको कोविड है या नहीं। अब यहां मैं एक और बात बता देती हूं कि जिस हिसाब से अभी हॉस्पिटल के जो कंडीशन है, टेस्ट तक नहीं हो रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपका टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, अब मेरा प्रॉपर इलाज कैसे होगा, इस तरह की बातों को सोच के पैनिक मत होइए। पहले कोशिश कीजिए टेस्ट आपका हो जाए, अगर टेस्ट नहीं होता है तो घर पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं, इस सब बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कैसे शुरुआत हुई, कैसे मेरे अंदर सिम्टम आए। तो 23 अप्रैल का दिन था जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए और उनको हल्का सा सरदर्द हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, थोड़ी थकावट लग रही थी, तो वो खाना खाकर सोने चले गए। सो के जब एक घंटे बाद उठे तो मेरे हस्बैंड को 101 बुखार था और बॉडी पेन हो रहा था, तो उसी वक्त उन्होंने एक पैरासिटामोल लिया और पैरासिटामोल खाते आधे घंटे के बाद ही बुखार कंट्रोल हो गया और बॉडी पेन जो भी था वो बिल्कुल चला गया। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि इस टाइम में जिस तरीके का भी सिचुएशन है, तो आप अपने पास एक जो बुखार की टैबलेट होती है वो जरूर रखें, जैसे पैरासिटामोल हो गया, क्रोसिन, डोलो, ये सारे टैबलेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तुरंत आपको आपके बुखार को कम करने में हेल्प करते हैं। और बॉडी पेन क्योंकि बहुत ज्यादा होता है इस टाइम पे, अगर कोरोना आपको हो जाता है तो इस सब से आपको रिलीफ मिलता है अगर आप टैबलेट लेते हैं, तो प्लीज अपने घर में बुखार की टैबलेट जरूर रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि फिर आगे क्या हुआ। फिर उस टाइम तो सब कुछ कंट्रोल हो गया, मेरे हस्बैंड का फीवर उतर चुका था और बॉडी पेन भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमें डाउट हो रहा था कि शायद ये कोरोना के लक्षण हो, तो इसीलिए हमने उसी टाइम से घर पर भी मास्क लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है 2 साल का, तो हमें डर था कि कहीं हम उसको हमारे थ्रू किसी भी तरीके से संक्रमण ना पहुंचे, इसलिए हमने सोचा कि हम मास्क लगाकर रहेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे तो छोटा बच्चा है तो उसे आप अपने आप से दूर नहीं कर सकते, वो आपके साथ ही रहेगा, और लेकिन आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो जरूर करें। तो इसीलिए मुझे जबकि उस टाइम कोई सिम्टम भी नहीं था, लेकिन मैंने भी मास्क लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले दिन यानी 24 अप्रैल को मेरे साथ भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। जैसे कि जैसे मैं सुबह उठी तो मेरा बॉडी पेन बहुत ज्यादा रह रहा था और बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस हो रही थी, और कुछ घंटे के अंदर ही मुझे बहुत तेज फीवर आया, 102 बुखार आया।
तो मैंने भी एक पैरासिटामोल लिया और मेरा भी बॉडी पेन खत्म हो गया और जो बुखार था वो काफी कम हो गया। बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी, ठंड भी लगना थोड़ा कम हो गया। उसके बाद हमें फीवर नहीं आया, लेकिन हमें डाउट होने लगा कि शायद हमें कोविड हो चुका है, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ साथ ही इस तरीके की चीजें हो रही थी, जो कि मुझे जल्दी फीवर सर्दी खांसी होता नहीं है, लेकिन एकदम से ये सब चीज होना कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि कोविड है। फिर हमने सोचा कि नहीं, अब हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगले सुबह क्या हुआ कि फीवर या फिर बॉडी पेन तो हमें ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ कमजोरी बहुत ज्यादा हो रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि हमारा स्मेल पूरी तरीके से जा चुका था, मुंह का जो टेस्ट है वो खत्म हो चुका था, यानी किसी भी चीज की, खाने पीने की चीज की या किसी भी चीज की कोई स्मेल नहीं आ रही थी, और खाने का जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, भूख लगना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो हम लोग जब टेस्ट करवाने गए तो पता चलता है कि किसी भी हॉस्पिटल में टेस्ट किट ही अवेलेबल नहीं है। तीन चार हॉस्पिटल में हम लोग जाकर पता करके आ गए, लेकिन हमारा टेस्ट नहीं हो पाया। बोला जा रहा था कि जितने लोगों का पहले टेस्ट हो चुका है उन लोगों का भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, पांच पांच छह छह दिन रिपोर्ट आने में लग रहे हैं। हमने सोचा कि अब आज तो टेस्ट हो नहीं पाया, तो इस तरीके से बैठे रहना सही नहीं है। तो हमने डॉक्टर को दिखा लिया और अपने सारे सिम्टम्स बताकर डॉक्टर ने हमें जो दवाई दी उसको हमने लेना शुरू कर दिया। जिन्हें थोड़ा सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम्स बताइए और जो भी डॉक्टर आपको दवा देते हैं उसे आप लेना शुरू कर दीजिए। इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, ये मत सोचिए कि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, हल्का फुल्का फीवर है तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप जितनी जल्दी अपनी केयर करना शुरू कर देंगे, दवा लेना शुरू कर देंगे और घर पे जो घरेलू उपाय है वो सब करना शुरू कर देंगे, उतनी ही जल्दी आप इससे रिकवर भी हो पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने हम लोगों को कौन कौन सी दवाइयाँ रेकमेंड की थी। दवाइयों के नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर किसी को अलग अलग दवा सूट करती है, तो वो आप डॉक्टर से दिखलाने के बाद ही लें। लेकिन आपको एक एंटीबायोटिक की गोली दी जाती है, विटामिन की गोली रहती है, और इसके साथ में फीवर के लिए आपको गोली दी जाएगी। अगर सर्दी खांसी या कफ बन रहा है तो आपको उसके लिए डॉक्टर सिरप देते हैं। तो बस इतनी ही दवा है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कोविड है या नहीं है, आपका टेस्ट नहीं हुआ तो आप दवा कैसे लें। क्योंकि देखिए, जो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को भी वही दवा दिया जा रहा है जो एक नॉर्मल फ्लू में दिया जाता है। तो इसीलिए ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का कोई स्पेशल दवा नहीं है। तो जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो दवा आप जरूर लें। तो इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके अलावा हम लोगों ने घर पे क्या क्या ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो सबसे जरूरी है इस टाइम पे कि आप हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं और विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करें। क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, एक तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, जो मेरे साथ तो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ तो जो सिम्टम आया था कि हम लोगों को भूख लगना बंद हो गया था। लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचे कि भूख नहीं लग रही है तो खाना ही नहीं है या फिर कम खाना है। आप अच्छे से खाना खाएं और हेल्दी खाना बनाकर खाएं, क्योंकि जब आपके शरीर में एनर्जी रहेगी तभी आप कोविड से लड़ पाएंगे। इसके अलावा और जो घरेलू उपाय हैं, जो कि अभी सभी लोगों को आई थिंक पता होगा, कि जैसे काढ़ा पीना है, गलाली करना है, स्टीम लेना है, तो ये सारी चीजें हमने भी फॉलो की हैं, इससे बहुत फायदा भी हुआ है हमें। तो आप सुबह शाम दो बार गलाली जरूर करें, हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा नमक डाल लें और उस पानी से गलाली करें, अपने गले को साफ करने की कोशिश करें। दिन भर में आप दो बार स्टीम ले सकते हैं, स्टीम बहुत ज्यादा लेना भी सही नहीं होता है, तो इसलिए दो बार तक आप स्टीम ले सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी जो अगर नाक जाम रह रहे हैं तो वो आपकी नाक जो है वो खुल जाएगी। इसके अलावा आप तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, तो तुलसी का काढ़ा जरूर पिए। अगर आपके पास तुलसी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। हम लोग भी हर रोज लंच के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ले रहे थे, और ग्रीन टी बनाना भी बहुत आसान है। बस 1 कप पानी को उबाल लीजिए और जब पानी अच्छे से खौल जाए तो उसमें 1 चम्मच ग्रीन टी डाल लें और फिर इस पानी को 5 से 7 मिनट तक ढककर छोड़ दें। फिर इसको छान कर और इसमें आधा नींबू डालें, उससे आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, और फिर जो आपका ग्रीन टी है इसे आप पी लें। इसके अलावा इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आप एलोवेरा जूस, आंवला का जूस या गिलोय का जूस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया या फिर पेट से सांस लेने वाली जो एक्सरसाइज है, उन सब एक्सरसाइज को जरूर करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम पे आप हाइड्रेटेड रहें, पानी की कमी आपके शरीर में ना हो, इसीलिए भरपूर पानी पिएं। वैसे भी अभी गर्मी का टाइम है तो ऐसे में प्यास भी ज्यादा लगती है, लेकिन ध्यान रखें कि ठंडा पानी तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसको ही आप पिए। और अगर आप गुनगुना पानी पी सकते हैं तो इससे आप और जल्दी रिकवर हो पाएंगे। सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध जरूर पीकर सोएं।
इसके अलावा अगर आपके फैमिली में जैसे आपके मम्मी पापा जिनकी एज 45, 50 या इससे ज्यादा है, उनका खास ख्याल रखें और अपने घर में एक ऑक्सीमीटर जरूर रखें, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है कि हल्का फुल्का फीवर आ रहा है, 2-3 दिन तक लोग ठीक रह रहे हैं और एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और फिर दिक्कत शुरू होने लगती है। तो अगर ऑक्सीमीटर आपके पास रहेगा तो आप टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन डाउन जा रहा है। और जो डायबिटीज के पेशेंट है वो कोशिश कीजिए कि अपने शुगर को जितनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आप कोरोना से लड़ पाएंगे और रिकवर भी हो पाएंगे जल्दी। इसलिए अपने शुगर को कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बाय चांस कोरोना के कोई भी सिम्टम है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपने खाने पीने का जो पूरा पैटर्न है उसको चेंज कीजिए। खाने पीने में चावल, आलू, चीनी इन सब चीजों को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और एक हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए। आपको मेरे चैनल पे कई सारे हेल्दी रेसिपी मिल जाएंगे, आप उन सबको भी देख सकते हैं और उन सबको भी बनाकर खा सकते हैं। और ये ना सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए बल्कि जितने भी लोग हैं इस टाइम हमारे देश में, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं या फिर जिन लोगों को कोरोना नहीं भी है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। ऑयली खाना, बहुत ज्यादा तेल मसालों से बनी हुई चीजें, फ्राइड फूड, सब इन सबको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत है इस टाइम। तो दोस्तों यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे, जैसे ही आपको सिम्टम आया उस टाइम से ही अगर आप अपना इलाज करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा 7-8 दिन हो चुका है और मेरे जो जितने भी सिम्टम्स थे कोविड वाले वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी, हम दोनों ही ठीक हो चुके हैं। जैसे हमें फीवर नहीं आ रहा है, बॉडी पेन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, खाने पीने का जो टेस्ट और स्मेल था वो 50-60% आ गया है, थोड़ा अभी बाकी है एंड आई थिंक वो भी 2-3 दिन में आप वापस आ ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे हस्बैंड तो ठीक हो चुके हैं और मेरा बेटा भी अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 दिन पहले उसको भी फीवर आ गया था। बहुत ज्यादा नहीं था, माइल्ड फीवर था, 99.7 था उसको फीवर। तो हमने डॉक्टर से पता करके उसके लिए भी सिरप मंगवाया और उसको 2-3 बार हम करके हमने दिया। और खाने पीने का टेस्ट उसका भी थोड़ा चेंज हुआ था, तो थोड़ा मतलब खाने में नखरा कर रहा था, अच्छे से खा नहीं रहा था टाइम पर। तो थोड़ा सा माँ बाप को डर तो हो ही जाता है अगर बच्चे को कुछ होता है, तो हम भी थोड़ा सा घबरा गए थे। लेकिन अगर आपके साथ पाली जैसा होता है, कभी अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो घबराइए मत, पैनिक मत होइए, दवा डॉक्टर से पूछ के दवा दे दीजिए बच्चे को और हर घंटे 2 घंटे पर आप थोड़ा थोड़ा ही उसको खिलाइए। एक बार में अगर बच्चा ज्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि ये टाइम पे भूख नहीं लगती है, जो कि हम लोगों के साथ हो रहा है तो बच्चे के साथ भी हो ही सकता है। तो इसीलिए मेरा बेटा भी टाइम पे और अच्छे से नहीं खा रहा था, तो हम लोग उसको हर एक घंटे पे थोड़ी थोड़ी देर पे उसको कुछ ना कुछ दे रहे थे, जैसे कि दाल बना के दे दिया या फिर ओट्स कभी हम लोग अपने लिए बनाए तो वो भी उसको खिला दिया, दलिया खिला दिया, चावल दाल बनाया तो वो खिला दिया। तो इस तरीके से उसको हर घंटे हम कुछ ना कुछ दे रहे थे ताकि उसके पेट में भी कुछ ना कुछ जाता रहे, हल्का हल्का वो खाते रहे। एंड आई होप कि मेरी बातों से आप लोगों को हिम्मत जरूर मिली होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या फिर जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है, वो सब जानना चाहते हैं कि क्या सिम्टम्स रहते हैं, कितना टाइम लगता है रिकवर होने में। तो कोविड से रिकवर होने में आपको मिनिमम 9 दिन लगता है और मैक्सिमम 14 से 15 दिन जाएगा, उसके बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए आप सबसे मिलूंगी फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।